वेलकम टू सपनों का रही से। हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल सपनों का रही से पर स्वागत करते हैं। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर पांव, पैर, फुट देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसका पैर टूटा हुआ है या कटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले के पास जितना रुपया पैसा होगा उसमें से हाफ खत्म कर बैठेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने में ये देखता है कि उसके दोनों पांव कटे हुए हैं या टूटे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले के पास जितना रुपया पैसा है वो सारा ही लॉस में गंवा देगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखे कि उसके दोनों पांव कटे हुए हैं, तो इसका एक दूसरा मतलब भी होता है कि सपना देखने वाला किसी यात्रा पर जाएगा। और अगर कोई देखे कि उसके पांव लोहे के या तांबे के हैं, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले की उम्र लंबी होगी और उसका माल बाकी रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसका पैर या पांव शीशे का मीन कांच का है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले की लाइफ जो है वो बहुत जल्दी खत्म होगी और उसका रुपया पैसा भी बाकी नहीं रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि उसका पांव किसी पेड़ के साथ या किसी सुतून के साथ या किसी पिलर के साथ बंधा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर किसी दूसरे व्यक्ति से हेल्प मांगेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसके दोनों पांव नहीं हैं और वो किसी लाठी के सहारे, लकड़ी के सहारे चलता है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपनी लाइफ के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करेगा और उससे उसे वफा नहीं मिलेगी। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि राजा ने उसके दोनों पांव काटने का ऑर्डर कर दिया है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अगर बिजनेस करता है तो उसमें लॉस होगा, अगर जॉब करता है तो जॉब गंवा बैठेगा। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि उसने किसी के पांव पे रस्सी डाली है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला उससे हेल्प लेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसका पैर जो है वो ऊंट की तरह या बैल के खुर जैसा है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर बहुत ज्यादा पावर प्राप्त करेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसके पैर जो है वो परिंदों जैसे या फिर किसी मुर्गी जैसे या मुर्गे जैसे हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपने दुश्मनों पर विजेता रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।